खबर गुजरात से है। बता दें कि गांधी श्याम शहर के गणेश नगर क्षेत्र के प्लाट नंबर 373 से 403 सेक्टर नंबर 6 के घरों के सीवेज निस्तारण को लेकर आज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक गणेश नगर कॉलोनी के डीएम कटुआ द्वारा नगर पालिका के बाहर भूख हड़ताल की गई है। अनशन के दौरान गणेश नगर वासियों द्वारा कहा गया है कि क्षेत्र के दो प्रभावित लोग 15 सितंबर को गणेश में सीवेज निपटान की समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका के सामने भूख हड़ताल पर बैठने आए थे, लेकिन तभी वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारी उनसे मिले और उन्हें लिखित में बताया कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द ही समाधान किया जाएगा। पुरानी सीवेज लाइन को हटाकर नई लाइन को लगा दिया जाएगा। सीमेंट है जिस स्थान पर फुटपाथ निर्माण का दबाव है, उसे हटाने के लिए नगर पालिका की ओर से नोटिस दिए 20 दिन हो गए हैं। ना तो प्रेशर रिमूवर आया है और ना ही नगर पालिका प्रेशर ही हटाकर इस स्थिति में सीवेज का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस क्षेत्र के निवासियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गटर ने जूनी लाइन बेची गई थी एना कारण त्यांथी आगर पानी जतू नथी। गुजरात से रत्न मुकेश की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।